दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार की शाम 24 जुलाई 2018 को डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में मैं आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुशामदीद एंड वेलकम करता हूँ। मेरे बहुत से श्रोता साथियों की कई मांगों में से एक डिमांड यह थी कि संविधान के ऊपर बोलते हुए कभी कभी मुझे किसी कंटेम्प्रेरी इशू पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसलिए आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसे विषय या कहिए कि एक ऐसी समस्या को लेकर जिसकी वजह से देश के काफ़ी नागरिक परेशान हैं। किसी व्यक्ति अथवा संस्था के लिए आज की चर्चा पॉलिटिकल हॉट पोटैटो के समान हो सकती है, मगर मैं सोचता हूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी चर्चा किसी भी पार्टी विशेष या विचारधारा से कोई सरोकार ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान में मूल भावना को सामने रखकर आज के पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक निश्चल प्रयास भर है। 80 के दशक में आए टीवी प्रसारण ने हमारे देश में समाचारों और मनोरंजन की दुनिया की क्रांति ला दी और उसे आज तक बरकरार रखा। टीवी इंडस्ट्री के एंकर्स आज करोड़ों और कोई कोई तो सैकड़ों करोड़ों के मालिक हैं, और उनके मालिक उनकी आमदनी और स्रोतों का कई हजारों करोड़ों में भी आकलन किया जाए तो शायद कम होगा। समाचार, मनोरंजन और फिर खेल और फिर व्यापार और अब प्रचार का ये माध्यम देश में मानसिकता को बनाने, मेंटेन और मैन्युपुलेट करने का एक बहुत ही सुगम साधन बन चुका है। लेकिन हाल ही में एक अजीब बात सुनने में आने लगी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है, और वह ये कि कुछ समय से बहुत सारे लोगों ने टीवी पर प्राइम टाइम पर न्यूज़ और डिबेट देखना या तो कम कर दिया है या फिर पूरी तरह से छोड़ ही दिया है। आखिर उसके कारण क्या हैं? आज टीवी पर चीखते हुए एंकर्स के बीच में एक दूसरे का लगभग गला दबाने को छोड़ सभी तरह के टेंट्रम्स को अपनाते विभिन्न पार्टियों के और विचारधाराओं के प्रवक्ताओं की नुमाइश लगाते टीवी चैनल एक आम बात है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया पर आप लोगों में से कईयों की खींच और झल्लाहट के बीच क्या आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि जो आप देख रहे हैं या सही अर्थों में आपको टीवी और अखबारों के पर्दे पर दिन रात परोसा जा रहा है उसके पीछे का कारण और उद्देश्य कहाँ है और क्या है? हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि कारण और उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे में इस बुरी तरह से गुत्थम गुत्था हैं कि आज उनको अलग से देखना या मेरे बोले हुए शब्दों से आपको दिखाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी होगा। उसके लिए आपको अपने स्वतंत्र मन से ही विचार करना होगा और देखना होगा कि हमारी चर्चा उसके कुछ पहलुओं से धूल की परतें हटाने का कितना साधन बन सकती है। मैं सिर्फ एक ईमानदार कोशिश ही कर सकता हूँ। मोटे तौर पर देखें तो दो कारण और दो उद्देश्य स्पष्ट नजर आते हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। सामाजिक और स्पिरिचुअल मुद्दा तो शायद अब डिस्कशन के बाहर ही रखना होगा। आज लगभग हर समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी संवैधानिक संस्था के चुनाव होते रहने के कारण सत्ता में बने रहने का दबाव, सत्ता में बैठी पार्टी, उसके गठबंधन में शामिल छोटी मोटी अवसरवादी जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म या किसी ऐतिहासिक महापुरुष के आधार पर राजनीति की रोटियां तोड़ने वाले छुटभइयों के ऊपर हमेशा बना रहता है। एक राज्य में चुनाव खत्म होते नहीं कि दूसरे राज्य या राज्यों में उनके होने की तैयारी होने लगती है। ठीक उतना ही दबाव सत्ताधीशों के राजनीतिक विरोधियों
यहां ध्यान दीजिए, मैंने विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया, विपक्ष का नहीं, और उनके गठबंधन में शामिल वैसे ही छुटभइयों पर भी होता है जिनकी की बात मैंने ऊपर की थी। विशेष बात यह है कि इन दोनों को ही लगातार सत्ता का खेल खिलाते रहने और देश की जनता को चुनाव के स्टेडियम में उछल उछल कर कूद कूद कर हारने पर रोने और जीतने पर जश्न मनाने का जिम्मा इन दोनों के ही एकमात्र आका यानी के कॉरपोरेट्स ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हीं के पास वह आर्थिक संसाधन है कि वो हम ग्लैडिएटर्स को लड़ता हुआ देखकर जनता को जश्न बनाने या रोने के लिए छोड़ देती है। कभी कभी तो लगता है कि मानो इस देश का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही किसी अदृश्य ताकत की गिरफ्त में हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र की कुर्सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए वे शब्द जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, आज जनतंत्र के चौथे खंबे और उसके आकाओं और उनका मैच देखने वाली भीड़ के लिए शायद कोई महत्व नहीं रखते हैं। आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो प्रजातंत्र का फोर्थ पिलर या तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है या फिर गहरी नींद या डीप कोमा में पड़ा हुआ है। चैनलों की चर्चाओं में अब सदन में तथाकथित, ध्यान दीजिए, तथाकथित विपक्ष, सही मायनों में विरोधी सांसदों और उनके गठबंधनों की चिंताओं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके नेता द्वारा कोई तथ्यपूर्ण बातों का जिक्र ना होकर सिर्फ घटिया मजाक आज हर चर्चा पर भारी पड़ गया है। ऐसा प्रजातंत्र के फोर पिलर को लगता है। दुनिया देख रही है कि ये विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र, उसके कर्णधार और उसकी निगरानी करने वाले चौथे पिलर की दशा और दिशा। मेरे कुछ पत्रकार और संपादक मित्रों से कभी कभी होने वाली अनौपचारिक वार्ता के दौरान वे लगभग सभी बोलते हैं कि ऐसी घुटन उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं, जब भारत का संपूर्ण मीडिया तानाशाही के घने काले बादलों से घिर गया था। मगर वे अदृश्य बादल नहीं थे, वे पूर्व घोषित शासकीय आदेशों का पालन करने और कराने के लिए थे, और उस समय के नौकरशाह तत्कालीन सरकार के चुनिंदे लोगों के इशारे पर उन्हें खुश और सुरक्षित करने के लिए बेदर्दी से उसका पालन कर और करवा रहे थे। आज की स्थिति बड़ी विचित्र और भयावह लगती है। यहाँ किसी का ना तो कोई आदेश है, ना ही कोई बिग ब्रदर अदृश्य रूप से मीडिया के ऊपर किसी खास खबर या विचार के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन लगता है कि मानो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज और बोर्ड रूम आयोजित होने वाली दावत में एक ऐसा नशा, एक ऐसा माहौल परोसा जा रहा है जिससे देश की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां अंधी, बहरी और सोचने समझने से लाचार बन रही हैं। देश के लगभग 60 से 70 करोड़ ये वे लोग हैं जिनके कंधों पर देश भारत का वर्तमान और भविष्य दोनों ही आश्रित हैं। कहा नहीं जा सकता कि ये सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप है या घातक साजिश का हिस्सा, मगर इतना स्पष्ट नजर आता है कि केवल मीडिया ही नहीं जो कि घेराबंदी में है, बल्कि वी द पीपल भारत का विचार भी आज खतरे में लगता है। इस संदर्भ में गुरुवार 19 जुलाई की एक दुखद घटना याद आती है, जब हिंदी कविता का पुरोधा प्रेमी युवराज के नाम से विख्यात अपने पीछे अपनी यादों का गुबार छोड़कर चला गया। हम सभी उसकी कविताओं और लेखन के पुलंदे उठाए उसका कारवा जाता देखते रहे। उसके कुछ शब्द मुझे याद आते हैं, उन्हें मैं आपके लिए दोहराता हूँ। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। आगे है, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, जिस्म दो हो दिल एक हो अपने, मेरा आंसू तेरे पलकों से उठाया जाए। ये विचार महान कवि नीरज के हैं, जिनका स्वर्गवास पिछले गुरुवार 19 जुलाई को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस में हुआ। वे 93 वर्ष के थे। ये विचार कभी मरते नहीं, और वो इसलिए कि वे इस देश की माटी, हवा और पानी से पैदा होते हैं। वो इस देश की गंगा, जमुनी तहजीब से पैदा होते हैं,
और जब तक इस देश में गंगा, यमुना, माटी, हवा और पानी हैं, हम सब हैं तो वे हैं और उनके विचार भी रहेंगे। भारतवर्ष में तर्क की एक बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। विभिन्न मतांतरों में वाद विवाद, या सही शब्दों में कहा जाए अनादिकाल से, हजारों साल से होता आ रहा है। वैदिक भारतवर्ष में भी सभी इस बात से सहमत थे कि सत्य की खोज का मार्ग शास्त्रार्थ से होकर जाता है। शास्त्रार्थ में शस्त्र नहीं चलाए जाते, ज्ञान का शस्त्र चलता है, उसमें कोई हिंसा नहीं होती। आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले भारत में निराकार, सनातनी, वैदिक और उस समय नए उपजते साकार को मानने वाले कट्टर शैव और वैष्णव हिंदू अनुयायियों के बीच तीव्र वाद विवाद होते थे। मगर तब वाद विवाद और शास्त्रार्थ न केवल ज्ञान बल्कि समाज का मनोरंजन का भी साधन थे। इस देश की आध्यात्मिक परंपराओं और धरोहर की पृष्ठभूमि में इस देश के हर नागरिक को अपने एक स्वतंत्र निर्णय से अपना एक विचार बनाना होगा, समझना ही होगा कि उसे वर्तमान परिस्थितियों को किस तरह से पढ़ना है और फिर क्या करना है। अपने इस वायदे के साथ कि हर मंगलवार, शुक्रवार की शाम, इसी तरह अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में, और बात करेंगे संवाद शास्त्रार्थ की, विधेय राजा जनक की सभा की महान परंपरा और महर्षि उद्दालक के शिष्य और ऋषि काहूट के पुत्र महाज्ञानी अष्टावक्र की, और उनके माध्यम से जानेंगे ब्रह्मांड के 3 अखंड सत्य, आज के भारत देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस की दशा और दिशा के परिपेक्ष में, पर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। और अंत में इस उम्मीद, विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार, साथियों के साथ विचार करेंगे, अपना एक स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट एंड जय हिंद।